भी होती है, साथ ही अन्य बातें भी प्रायः इन दोनों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। इन पंछियों को ही देखो, समझदार होते हुए भी स्वयं क्षुधातुर रहकर अपने बच्चों को चोंच में स्नेहवश अन्य के कण डाल देते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने उपकार के बदले उपकृत होने के नियमित पुत्र की इच्छा रखते हैं। यद्यपि उन सब में भी समझदारी का भाव होता है, फिर भी वे संसार की स्थिति, जन्म मृत्यु की परंपरा को बनाए रखने वाली महामय भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भौरे में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव डूबते उतराते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जगत पिता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपणी महामाया से ही यह सारी सृष्टि मुग्ध हो रही है। वे महामाया ज्ञानियों में चित्त को भी बलात् आकर्षित करके मोह सागर में डाल देती है। वे ही समस्त सृष्टि की जागरती है तथा जब वे ही प्रसन्न होती है तब मनुष्य को उदार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान भी देती है। वे भी परा विद्या विद्याएं दो होती है, परा और अपरा, संसार बंधन और मोह ममता अत्यंत कड़ी सनातनी देवी है तथा समस्त ईश्वरों की भी अष्ट धात्री है। तब राजा ने प्रश्न किया, भगवान जिन्हें आप महामाया कहकर